और आइए अब बात करते हैं 90 मिनट के गुंडा राज की। दरअसल राजस्थान के झुंझुनू के बारवा गांव में बस स्टैंड पर करीब डेढ़ घंटे तक गुंडे दहशत फैलाते रहे, सरेआम कानून को ठेंगा दिखाते रहे, सड़क पर अपनी गाड़ी से दूसरी गाड़ी पर टक्कर मारते रहे, लोगों से उन्होंने मारपीट भी की, लेकिन मौके पर पुलिस को पहुंचने में घंटों का वक्त लग गया, जबकि घटना दोपहर करीब 12:30 बजे से लगभग 1 बजे के बीच की है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ऐसे ही राजस्थान में कानून का राज कायम हो सकेगा? यहाँ किसी फिल्मी सीन को नहीं फिल्माया जा रहा, ये कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाते वो गुंडे हैं जिन्होंने घंटों तक राजस्थान के झुंझुनू के उदयभाटी थाना इलाके के बारवा गांव के बस स्टैंड पर दहशत फैलाई। स्थानीय लोग इनके खौफ से कांपते रहे और पुलिस को इन्हें रोकने में घंटों का समय लग गया। बदमाश सरेआम गाड़ियों से टक्कर मारते रहे, फिल्मी अंदाज में सड़क पर गाड़ियां घुमाते रहे। पत्थर और लाठी से एक दूसरे पर हमला बोला, स्थानीय लोगों से मारपीट की, बस स्टैंड पर खड़ी बाइक को भी तोड़ दिया। दो लोगों को गंभीर चोटें आईं, लेकिन इस हाईटेक जमाने में भी सूबे की पुलिस को गुंडों को ऐसा करने से रोकने में घंटों का वक्त लग गया। बाद में मौके पर पुलिस पहुंची, लेकिन तब तक गुंडे तांडव मचा चुके थे। बारवा गांव में करीब 12:30 बजे के आसपास काफ़ी लड़के और बदमाश लोग इकट्ठे हुए, जिसकी सूचना थाने पे मिली। थाने से SHO में टीम के रवाना हुई और वहाँ पहुँची तो देखा कि वहाँ पर पुरानी एक जमीन है जिस पे दो पक्षों में विवाद चल रहा है, जिसका न्यायालय में भी उनके विवाद चल रहे हैं, जिनका निर्णय अभी आना बाकी है। उस जमीन को कब्जे को लेकर दोनों पक्ष लड़ने पे उतारू थे और एक दूसरे को कल गाड़ियों को टक्कर भी मारी, दो लोगों के चोट भी आई। जानकारी के मुताबिक बारवा बस स्टैंड पर एक जमीन को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद चल रहा है। मामला न्यायालय में है और फैसले का इंतजार अभी दोनों पक्षों को है, लेकिन उससे पहले ही दोनों पक्षों के बीच वर्चस्व की जंग ऐसी छिड़ी कि सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाई गई। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने स्कॉर्पियो गाड़ी के मालिक समेत दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बाकी आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से फरार है। कल हमने मुख्य आरोपी को वहां से उसके साथ दो अन्य लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है और इसके साथ ही हमने कल ही 145 CRPC में उस जमीन को विवादित होने के कारण कुर्क करवा दिया है और बाकी जो मुलजिम हैं वो भागे हुए हैं, उनकी तलाश है तो हमने टीमें बना के रवाना कर दी। झुंझुनू के विधायक बृजंत सिंह गोला है, जिनका ताल्लुक राजस्थान में सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस से है। सवाल उठता है कि जब गुंडे इसी तरह कानून को ठेंगा दिखाते रहेंगे तो सूबे में कानून व्यवस्था का राज कैसे कायम हो पाएगा? झुंझुनू से अजय शर्मा के साथ टीम न्यूज़ नेशन।